बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मसालेदार कलेजी। इसके लिए हमें चाहिए ये एक कलेजी है पूरी बकरे की, लहसुन कुटा हुआ, सूखा धनिया 2 चम्मच, लाल मिर्चें 1 चम्मच और ये दही है 1 कटोरी। तो अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए हम पहले इसको एक बड़े बर्तन के अंदर हम पहले कलेजी को हमने कलेजी को मैरिनेट करने के लिए रखा था 1 घंटे के बाद। ये देखें मैरिनेट हो चुकी है, दही ने अपना जो है पानी छोड़ दिया है कलेजी में। तो अब हम इसको कुक करना शुरू करते हैं। ये चॉप हुआ हुआ प्याज है, एक बारीक चॉप किया हुआ है इसको। इसी तरह एक टमाटर है, उसको भी बारीक चॉप कर दिया है। नमक हसबे जायका है, पिसा हुआ गर्म मसाला है और हरी मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई हैं। अभी नमक हमने इसमें शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल में प्याज। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, अच्छे तरीके से हम भून लेंगे प्याज को। प्याज अपना कलर चेंज कर चुका है। अब हम इसके अंदर बारीक चॉपे हुए टमाटर डालेंगे। मोटे मोटे इतने ही टमाटर डालेंगे, उनको फिर फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये जल्दी से कोई तरीके से तैयार हो जाती है। फिर ये देखिए हमारे टमाटर कुक हो गए हैं और ये ऑयल इसमें छुट रहा है मसाले का। तो अब हम इसके अंदर भी मैरिनेटेड हुई कलेजी जो है और अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। दही ने भी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसलिए इसको हमने इसी इसमें 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रखना है ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। देखिए हमारा कलेजी काफ़ी ज़्यादा भून चुकी है। अब हम इसके अंदर ये नमक, हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला वो ऐड करेंगे। आप इसको इस तरह का रखना चाहते हैं तो आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको मज़ीद करना है, नमक हम इसलिए एंड में ऐड करेंगे ताकि हमारी कलेजी पहले फौरन इसको भूनते के साथ ही ना गल जाए, क्योंकि दही का पानी होता है उसमें खुश्क ना होता है। तो इसलिए नमक हम एंड में ऐड करते हैं ताकि कलेजी हमारी एक टाइम से ही आके गले।
क्योंकि नमक से फौरन गल जाती है कलेजी। ये देखिए इसका ऑयल छूट गया, ये हमारी कलेजी का मसाला बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको और खुश कर सकते हैं, या इतना भी रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। हमारी ये कलेजी मसाला रेडी है। हमारी मज़ेदार मसाला कलेजी तैयार है।